हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया स्टॉक लेकर के आया हूँ जो काम करती है। ये कंपनी डेवलप्स मोबाइल बेस्ड गेम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूस OTT प्लेटफॉर्म एंड एनिमेशन एनिमेटेड फिल्म्स एंड ट्रेड्स इन कॉमोडिएट एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ों में काम करती है। तो ये समझ लो प्रोडक्ट, इस टाइप का प्रोडक्ट को डेवलप करने में बहुत कम लागत लगती है और इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो डिजिटली कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो तो उसमें एक बार लागत आती है, लेकिन आप बार बार उसे सेल कर सकते हो। या कोई कोर्स हो गया जैसे आपने एक बार बनाया, ठीक है, आप उसे बार बार कई लोगों को सेल आउट कर रहे हो, तो उससे जिंदा में पैसा जनरेट हो रहा है, बस आपके पास सेव है, पैसा बच ही रहा है। और क्या होगा, मान लो कोर्स बनाने में जितना समय लगा हो, जो टाइम लगा हो, जो खर्च लगा हो, सेम उसी अनुसार ये भी है। कोई एप्लीकेशन हमने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, अब उसे हम सेल कर रहे हैं लोगों को, समझ रहे बात को। वो प्रोग्राम तो लिख दिया एक बार, बट अब सेल करना है, अब जो पैसे आएंगे वो आपका प्रॉफिट है, ऐसा मान के चल सकते हो, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो ये कंपनी बहुत अच्छी फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखला सकता है। अभी करेंट इसका प्राइस चल रहा है 89 पैसा, इसने हाई बनाया है 2 रुपये 3 पैसे का, और 71 पैसे का लो है। 2 रुपये 3 पैसे का हाई है और लो है 71 पैसे का। ROC निगेटिव है, ROE है ही नहीं, फेस वैल्यू 1 रुपये का, और प्रमोटर होल्डिंग 49.1% है, समझ रहे, 50% की प्रमोटर होल्डिंग है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रमोटर को पूरा विश्वास है मेरा बिजनेस फ्यूचर में अच्छा कुछ अच्छा कर सकता है। प्रोस तो है नहीं, कॉन्स है, ठीक है। दोस्तों ये अभी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है, बट क्या है, ये जो लॉस हो रहा था पहले से, उससे कम लॉस आस्ते आस्ते कर रही है क्वार्टरली के अनुसार। और ईयरली अनुसार देखा जाए तो ये प्रॉफिट, कभी प्रॉफिट कभी लॉस देने वाली कंपनी है। मैक्सिमम टाइम तो लॉस दी है, कम टाइम प्रॉफिट दी है, लेकिन प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट आते हैं हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, क्योंकि हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न ही एक ऐसा वो है जो फ्यूचर में कुछ अच्छा करने के लिए मजबूर कर सकता है। क्योंकि मैनेजमेंट को पता होता है कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है, कैसा नहीं कर सकती। वैसे देखो प्रमोटर की होल्डिंग 49% है, पहले 51 थी, अब 49.13 है। देखो शिल्पा सेट्टी, ये शिल्पा सेट्टी कुंद्रा की कंपनी है, रिफू सुदान कुंद्रा, 25% स्टॉक रिपू सुंद्रा सुदान कुंद्रा का है, और शिल्पा सेट्टी यानी जो हमारी एक्ट्रेस है उनके पास 24.13% की प्रमोटर होल्डिंग है। बात समझ रहे हो, ये किसी एक्टर का है जो अपने प्रोडक्ट का खुद ही रिव्यू कर सकते हैं और पब्लिक बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन्हें ज़्यादा कोई खर्चा वर्चा देना है नहीं। इसमें प्रमोटर की पब्लिक्स में इंडिविजुअल का भी पैसा लगा हुआ है ठीक ठाक, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में CIRP प्रोसेस चल रहा है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस कितने दिनों से चल रहा है, 25 अगस्त 28 अक्टूबर 2 नवंबर। दोस्तों इस कंपनी में, इस टाइप की कंपनी में जिसमें CIRP प्रोसेस चलता है, उसमें क्या होता है, या तो कंपनी बूम कर जाती है या तो फिर नीचे पूरा डाउन हो जाती है, समझ रहे हो बात। या तो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा पूरा रिकॉर्ड तोड़ देगा पैसा देने में, मतलब ग्राफ ऊपर भागने में, या तो पूरा नीचे आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कंपनी सस्पेंड हो सकता है। क्योंकि कंपनी के कुछ ऐसे एसेट होते हैं
जिन्हें बेच करके उसका लोन वगैरह चुकाया जाता है, जो उसकी कंपनी घाटे में चल रही है उसे चुकाया जाता है। तो CIRP क्या मतलब ये होता है, मतलब समझ लो जिस कंपनी में आपको 50 रुपया लगाना था आप उसमें 25 रुपया ही लगाओ, ज़्यादा नहीं। और इस टाइप की कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न कमा के देती हैं, अगर चल गई तो बहुत अच्छा रिटर्न देंगी, अगर नहीं चली तो एकदम ख़त्म है। और एक बात आपको ध्यान रखना होगा, चलो आओ टेक्निकल पे चलते हैं, देखते हैं क्या है टेक्निकल इसका। तो ये मंथली है, वीकली में देखते हैं टाइम फ्रेम में। देखो ये हाई हायर का पैटर्न बना रहा है मई से, मई क्या सितंबर, सितंबर से, और ये 2 रुपये का रेंज तक जा चुका है, कितने से 72 पैसे से। ठीक है दोस्तों, अगर ये स्टॉक आपको 84-80 पैसे मिले, 80-82-84 पैसे मिले तो बाई करके चल सकते हो, और आपका टारगेट रहेगा 1 रुपये 21 पैसे, या फिर 2 रुपये के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जब इसे ब्रेकआउट देगा तो फिर अपना वही 2 रुपये वाला टारगेट दिखलाएगा। और इसने मैक्सिमम हाई लगाया है 40 रुपये की, 40 रुपये का हाई लगाया है। तो कंपनी में CIRP प्रोसेस चल रहा है, तो इस कंपनी में सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। जहाँ मुझे 50 रुपये लगाना था वहाँ अब मैं 25 रुपये इन्वेस्ट करूँगा। और ये कंपनी का जो टेक्निकल है बहुत अच्छा संकेत दे रहा है कि ऊपर भागेगा कंपनी चार्ट, फंडामेंटल के अनुसार तो बहुत बुरा है, प्रमोटर की होल्डिंग है, लेकिन CIRP प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें आप कम पैसा इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास सॉरी दोस्तों, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर के आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।